क्या बताएंगे आप सिंथन टूरिज्म फेस्टिवल के लिए? पहले वर्धन फेस्टिवल हुआ और अब वो भी पाइपलाइन है, सिंथन फेस्टिवल के बारे में क्या बताएंगे और जो आगे टूरिज्म डिपार्टमेंट के प्रोग्राम है किस तरह के प्रोग्राम? जी यहाँ पर सिंथन मैदान में खड़े हुए मैं बड़े खुशी से सबको बताना चाहती हूँ कि J&K टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो मुहिम जारी हुई है जिसमें कि जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर भी टूरिज्म पोटेंशियल है और जहाँ पर हमें लगता है कि बहुत तरीके से जो है टूरिज्म बढ़ सकता है, चाहे वो वेडिंग डेस्टिनेशन के सिस्टम से कहें या हेरिटेज टूरिज्म के सिस्टम से कहें या फिल्म टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें या एडवेंचर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, ये बहुत अच्छी इस टाइम अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे यूथ के लिए भी, क्योंकि टूरिज्म डिपार्टमेंट पूरा कार्यरत है। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू ने ये जो सिंथन स्नो फेस्टिवल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ और किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी, JKAACL और आर्मी और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके जो ये इवेंट रखा है 29 और 30 अप्रैल का, जो इस टाइम आप देख रहे हैं बड़ी खुशी से सारे जो है एंजॉय भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ एडवेंचर एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग है, स्नो एक्टिविटीज हो रही है, जैसे स्नो स्कीइंग है, स्नो स्कूटर, स्नो स्लेजिंग। तो इस तरीके की एक्टिविटीज से एक यूथ तो इंगेज होता ही होता है और हमारे जो लोकल आर्टिस्ट यहाँ पर गा रहे हैं वो अपने आप में ही एक प्लेटफॉर्म है हमारे लोकल आर्टिस्ट्स के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चियां बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं और टूरिज्म और कल्चर दोनों जो हैं इस टाइम बहुत बखूबी जो है वो प्रमोट हो रहे हैं। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि टूरिज्म डिपार्टमेंट एक मैसेज भी देना चाहता है कि होम स्टे पॉलिसी है जो टूरिज्म की, उसके तहत होम स्टे के लिए ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन जो है वो होंगी तो हमारा जितनी भी डेस्टिनेशन है जहाँ पर टूरिज्म पोटेंशियल है वो टैप किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी है तो उसके लिए क्या कर रहे हैं टूरिज्म? इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों का जैसे टूरिस्ट विलेजेस जो है वो भी डेजिग्नेट हुए हैं, तो हम लोग फोकस कर रहे हैं कि जितने भी हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पर होलिस्टिक डेवलपमेंट हो और एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए जो है वो बन रहा है। और हमारी पिलग्रिमेज सर्किट्स, अगर आप बात करें जम्मू डिवीजन जो है वो पिलग्रिमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जो है वो पूरे देश विदेश से आते हैं। तो अब हमारी यही कोशिश है कि कटरा में भी जितने हमारे पिलग्रिम टूरिस्ट आते हैं उनको हम जो है उनको की जो टूरिंग है उसको चैनलाइज करें और जितने हमारे पिलग्रिमेज सर्किट जो कि डेजिग्नेट होने वाले हैं और ट्रैकिंग सर्किट्स जो हैं वो पूरे अच्छे तरीके से शोकेस हो, उनकी पब्लिसिटी हो, ताकि एक तो हमारा यूथ इन्वॉल्व हो और जितना टूरिस्ट जम्मू में कटरा में कदम रखता है उसके लिए और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हों यहाँ पर करने के लिए। थैंक यू।